कहाँ जा रही है? तो इन्हें पता है? लली मोना पता है। आज सावन का मस्त महीना, तीज हरियाली का दिन है, हम सबकी सब सिंह नदी नहाने के लिए जा रहे हैं। हाँ एरी जो चंद्र पिलवा तेरे संग जा रही है, यो चंद्र पिलवा है, चंद्र पिलवा हाँ लली तू जा रही है। और हाँ लली जो तो बिल्ला नाम देगी जो तो चुटिया है गई बड़ी ना हो गई बड़ी गई है लली ने कसी देखी बिल्ला दिन है गए में तो अब तो पूरा सार है ए हाँ टाड़ है रही है टाड़ बोले लली तो तू कौन सिंह नदी पर जा रही है? हाँ क्यों जा रही है? नहाए भी को ले नहाए भी हाँ तेरी आज हरियाली तीज को तो हर वो तीज हरियाली का दिन है आज। हाँ जब चेट जाए लड़िया मोज है ना पतो पत के ते खन लिखर गाओ के ते खना पारी गाओ कहा तोहारो तोहार बोल पहले लली बोए ना पतो पत में तो घर में ही घुसी रहती हूँ काय में रहती हूँ लली बाबा लहरो बहुत में तो घर में ही लागी रहती हूँ बालक ज्यादा है ना ज्यादा ना है खास कितने हैं लली बाबा 44 ही बालक हैं अरे 44 कितने होते तू नहीं जानते मैं नहीं जानती हूँ लल्ली चार ऊपर 40 है 44 बोले हाँ 44 हाँ ऊपर मरे तो कई साल है गई और यह कौन से लटकाई टोल रही है भाई लल्ली हाँ तू पैदा भाई हाँ ढाई साल में रोने गोने आई हाँ। तेरे फूफा तो लल्ली ताई रात को सटक गए हला लल्ली तेरा फूफा ही तो मर गए और लल्ली जो नौगमा वारे कितने पर थोरू मर गए हाँ छे तो जिंदा है लल्ली मोटो ताजी रड़ुआ देखो ताई के घर में रह पर सही कह रही है बुआ सही ना करी तो हाथ से कर ले अजी मेकअप किन पे करते सिंगार एरी लली तो दिख रहा है देख ले मेरा बूढ़ा समर के बैठो मोचिंदा सही कह रही है सही लल्ली देख हाँ बुआ रे हाँ बुआ रे तो ना मालूमी लल्ली कई साले है गई अरे तेरे बो लल्ली मैं रोज ना करती हूँ ये ही ना छोड़े मैंने अरे बुआ हाँ तू हमारे संग चले अब काकू हम जा रहे हैं सिंह नदी नहाने के लिए लल्ली मैं ना जाऊंगी अरे चले बाबा चलो फिर ना जातू है अरे बड़ी बूढ़ी संग में सही रहते हम नई नौसरी है लड़िया तू बहुत जिद्दी रही है चले बुआ जरूर ना माने चले तू सॉरी बहुत चिर रह लिया जो माने ही नहीं संग ले बजाई अरे कच गा बजाए ले कैसी जाएगी ना मानते तो चल चलूंगी धीरे धीरे चलिए अरे कच गा बजाए के चले कैसी जाएगी ए बुढ़ापे में मैं अब का कर लूंगी लौड़िया मेरी सास काम ना करते अरे कच गाय ले जबरिया का पावे वो तू बूढ़े के संग आई तूने गोने में ना नाच के सुनाओ बुढ़ापे वारो वो अब जवानी में सुना वो गोने वारी रात वारो हाँ हाँ देख रहे हो बूढ़े लौड़िया ने कब कब और पकड़ो है बड़ी नाची तू बात बात पकड़ी है एक बात सुनाई हाँ सुना ए ले तेरे मर मिटा अब ले सुन ले सुना ए दैया हाय दैया कुत्ता से बुढ़ापो बहुवन के राज में मैंने छोड़ दियो ए दैया हाय मैया राज साड़ी लेके आयो ए दैया तू राज साड़ी लेके चंद्र पिरवा बोल जब से मेरे घर में बहुए आई है जे बहुए आई है लल्ली में
बड़ी चटोरी लोड़िया बड़ी चटोरी मेरा पूरो लल्ली सेंधा की बाजार खरीदे जा तो अच्छा और लल्ली हावले जा तो का हाप हावले हावले आवले बोले अब चेटिया वो बने आवे तुम तो कसूर हो लल्ली अपन ते को पौवा ले आवे तो पौवा लल्ली मोक ले आवे तो गोवर घेवर बोले घेवर कहते घेवर घेवर पौवन के राज में मैंने खानो पीनो छोड़ दो पौवन के राज में खानो पीनो छोड़ दो ए दैया हाय मैया तू करा चली अरे कान में तेल डरवाते और कुछ करवाते हैं और कुछ ना करवाते अरे और कुछ करवाते भगवान के राज में मैंने उठना बैठ में छोड़ दो ए भगवान के राज मैंने उठना बैठ में छोड़ दो ए दैया का है हाय मैया तू करा पाल किया ले तू आयो ए और ये 50 रुपए श्रीमान जी तेजपाल भगत जी, ये 50 रुपए श्रीमान जी तेजपाल भगत जी, ये मंदिर में दान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है चमेली। हाँ एक बात बता, कहा तेरा नाम चमेली है और कहा है? हाय दैया, चमेली में तो बड़ी खसोई माती भी तो में खुकरिया क्यों मार रही है? काई की मार रही? अरे तू तो मेरी हवा कर रही है, अंदर खुकरिया आ रही सेना फैक्ट्री की सिगरी गैस मेरे ऊपर फेंक रही है। हाँ छिनार वो बाकी रही। और क्या कह रही? हाँ पेटी कोट कर रही। ओ पेटी कोट, हाय मेरे परमात्मा, हाय मेरे ब्रह्मदेव महाराज, हाय मैं भतीजा मोमे धरनी समाज है, तू पेटी कोट पहनते है? का पैरे करूं? यही लुड़िया पहनते, तू ठंडा पैरे करती? अब बड़ी है गई। ओ अब बड़ी है गई, अब पहले छोटी। और तू का खाता? टोपी। टोपी? ओ अब छोटी तो टोपी खाती, अब का खाता? पूरा टोपा ले आज खाते है। आज खाती रोटी। ओ, लल्ली लल्ली मेरी सास कामना कर रही। फोन करवा दे फैक्ट्री को रुपया दूंगी, तरकारी ले आइए, सब्जी ले आइए, बालकन को तीमन ले आइए, बाम इकट्ठा कराओ, पौवा ना छोड़े आओ। वो तो रोजी रोजगार है। और पौआ पी के लल्ली जब दिन मुझे आओ ताई घाई देखे हो और सोगटा मोए के चकचाए ले हो लल्ली चला के लिया। अरे अम्मा जी बता, अब देख रहा हूँ टुकुर टुकुर जी साड़ी कौन पे बांध पे सीख के आई, ऐसी बात है? अरे कैसी है, उठ के देखना। लल्ली उठाइए, उठ उठ लल्ली, लल्ली पकड़िए। आ लल्ली लल्ली
जित सबर पिछारी दिख रही है लल्ली ए तू मेरी शौक को देख के जा रही है ये। एरी मेरी फैशन को देख के जा रही है ऐसी कैसी फैशन है एरी एरी दुनिया की है मेरी अलग है का और का कोई पहनते टेरालीन कोई पहनते टेरिकाट लोड़िया मैं पहन रही हूँ पिछारी काट एरी पिछारी काट में का लल्ली जाने बड़े बड़े फायदा है का फायदा पूरो तो मेरे ऐसो ही है सटो का हला ऐसा जो गैया मेरे को बहुत पांच सौ उठाओ लल्ली दुनिया घर में पंखा लाग रहे हला लल्ली एल सी डी लाग रही है मेरा घर में ही जरूर ना लाग रहा हूँ जी बताइए कैसे लल्ली जब गर्मी लागती है प्रवाही चलते है अच्छा। लल्ली में पमा को ठारी है जाते हूँ और लल्ली हवा जा में धर्राटे और लल्ली और गर्मी पत्ते है और जब ज्यादा ही गर्मी पत्ते जेठवारी तो का हो तो लल्ली पछा को ठाड़ी है तो पछा दिया हवा भर रही भर अब पूरा टुक टुक देख रहे हो क्या पूरी जा भी जम बहु बैठा ले आ जा बैठा पूरे लल्ली बैठा लल्ली जा बड़े बड़े फाद आए हुआ हां बेटा जी आ गई सिंह नदी अब तू नहा ले ओ आ गई तुम्हें बहुत बुरी मार रही है बैग नहीं खुकर याद आ रही है बुआ या छोरी नी बैगन की कही तो बड़ा ईट को उठावे को मनाल पर अरे बुआ तो नहा ले बुआ तू नहा ले लल्ली सिंह नदी आ गई हाँ अरे हाँ नहा ले गोरी सागर जो नहा ले गोरी सागर ये मोती बंद होंगे पूरे ना देखो मोसलवार झींगा ढार देगो जो नशमरों में राणाओं का ना लल्ली चौथी शादी मेरा तैयार है चौथी शादी और का लल्ली मैं अरे तू का समय रही है अरे मैं दसंती बाद लल्ली पीस पट के खाते पीता नहाना में हला जा तलैया में काव की कसर ओ चुल्ला जब मैं तोसी मोसी तोसी हां दिल मोला फिरते लल्ली वाके सो अमिया नचरी के सो अभी ले जब मैं तोसी ता देख मैंने कबू आदमी ना कही का कही सदा कही अदम्मा अदम्मा ते भगवान ते कहू भगवान ना कही का कही मैंने कही भगवान ना वरना लल्ली कबू धरती पर मूत के ना जानो तो काय पे मूत लल्ली मैंने दे सब ये तो भर गांव में देख या कीतपुर नोगमा और लल्ली सेंधी सेंधा और ते तू सेंगी गांव गांव पर और सेंधा में काय पाट बना रही छिना मैंने दे सकी दू बजरा दी एक कांसे पूरा ना है अरे बुआ ये भूरे भगत जी आ गए नौ कह रहे लल्ली क्या 20 रुपया ना है
20 रुपए तेरी नथुनी ना है, ये नथुनी पे खुशा के दे रहा है। लल्ली लोरिया तू भगत जी के बचो रही है, लल्ली नत्तो बक्का रे देवो खटका कर देंगे। तू अंधी है गई कह तो का बात है। हाँ लल्ली मैं उन नीचो दिख रहा हूँ कचरे आ रही हूँ। अरे तू नहा ले तू। लल्ली तू मेरी मसंद है, मैं तेरी मसंद हूँ। चल मसल आ जा। लल्ली समर के मसल अरे तू मुंह देख रही है, अरे मेरा फोटो खींचाई फोटो खींची लो, अरे घर से चवरिया बुला ले आई अपना हाथ मार सकती है। अल्लाह मार तू, तू जा पसंद आ जा, आ जा मसल्ला आज तेरे मर। लल्ली रुक जा, अरे जो यार जो बड़ी खतरनाक है अभी थी लल्ली गुलगुली होता जो भैया पर हाथ चला रही है। लल्ली तू समर के हॉल हॉल मसल लल्ली आराम आराम से लल्ली में जा मार के तू तेज मसंद मेरा आराम से मसलवा लूंगी। हाँ धीरे धीरे मसल लल्ली धीरे धीरे। हाँ मेरी लोहरिया बड़ी करिया है जो है बढ़िया 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 है। अरे तेरो सोगठा तेरो अरे नास पीट मैंने तेरो का बिगाड़ो सा ईट दे रो गट। अरे बहन पाल लागती हो। हाँ लल्ली हाँ भगवान कह रहे तेरे हाथी पैदा है जान। हाँ लल्ली उठाइए उठाइए उठाइए। ओ लल्ली ओ बूढ़ा मर गई री। लल्ली खून पानी छूट गो मर गई लल्ली। लल्ली जो काल कर परो अरे और हाँ लल्ली मर अरे जो कर सोगठा जाको जो हुकंदरा है लल्ली गंगा वार सवारो ना सपीटो देख लिये जो का धर के गौ है जो मेरे मरवानी छोट रहा मेरे मेरे बूढ़े को रंगना करना चक्कर में ए लल्ली मैं मत जाऊं तो बूढ़ो रड़ुआ होगो मैं समझ रही मेरा बूढ़ो राण होगा जाए चुड़िया पीछे जाओ को तरंगे। अरे बहन पांच हुआती है राम करे तेरे एक फिराम बीस पल्ला बालक है ना तेरा हाथी पैदा है जाए। हाथी के मारा तो मेरी आंखें उना रे। अरे तू सूढ़ मारो समझ रही है और ए सीढ़ मारे के मारे तो तेरी एक पसड़िया नहीं रहेगी। हाथी जैसो बलवान पुत्र पैदा है जाए। अच्छी हाँ मैं भरो पूरा आशीर्वाद देते हूँ लौड़िया। अरे बहन का कर रही हो तो एरी परदेश तो कछ नदी करो हम का कर रही ना बहन और जो सिंह नदी रह दिख रही है आज हरियाली तीज को त्योहार है। अच्छी है सब मैया बहनन को जो त्योहार हो तो है लल्ली परदेश। अच्छे बहन अभी एक बात बता। हाँ तू ऐसी महल को चली घूम रही है और तो बस खुकरियां मार रही है तू नहा धो ना सकती है। बहन नहाना धोना मेरे भाग्य में नहीं है। ले ले लौड़िया ले देख ले हमारे बूढ़ो के तो सोई बात है बूढ़ो हो रही बना है हुआ सो शान दो तो तब तो सोकठा ने पानी को मुंह ना देखो है जंगल फिर जाकर मैं क्योंकि पानी ले आगा बहुत तो भर रहा सोचत हुआ जब ना सोचत हुआ ताई में की जो है ए लल्ली गंगा नहात पराए घर खात कोई डर लगा तू है कोई डर लगा तू कपड़ा दारे पारे पर रख दे एक सांस हम पी सको था मारे। अरे बहन जो साबत तुम्हें अच्छा लग रहा है मुझे नहीं अच्छा ना लग रहा है। अरे कहाँ जा रही है बहना जाने वाली कहाँ जा रही है बहना जाने वाली आज लगी है बहना तीज हरियाली आज लगी है बहना तीज हरियाली आ जा बहना हरियाली तीज रे मना ले आ जा बहना हरियाली तीज रे मना ले दस नदिया में बीबी तू सुने अरे बहन तूने सावन अच्छा लग रहा है बहन मुझे नहीं। अरे तो क्यों ना लग रहा हुआ बताती हूँ तो क्या बात है गई है सावन ने सावन हारी इन बंदर भैंस दूध से भरी बुखारी होला इनके घर के मोट बाजरा बह गए बीज बे मनावे हरियाली एरी परदेश है। अरे तेरा भाई बहन ही ना है भाई है ना बहन मेरे देश में भाई
सूखा पड़ रही है कावा, ऐसी का मुसीबत पड़ गई। अरे सोरे पत्ते सोरे से बेरो बेना तीनो सनीचर मेरे पति पे कर दीनो पति मेरे पाम करके बीबी राजा बेकार दही सब सुंदर काया कंचन भम सब सूखी परी है हरियाली पानी पर सोना पिया के देशा देश में सूखा पर गई है। तेरा सो उठाओ एरी परदेश हाँ। तेरी एक बात मेरे कंप्यूटर में फिटना है भाई। कौन सी जो वारी के फिर गई स्वामी की माया सुंदर बिगाड़ दे काया का तेरा आदमी पे कोई कारोबार हो मोमी लाल फेंक दो आ चुका यारे बेकरी गई सहेली मेरे नरबरिया सही शरीर से बेकार है हाय चलन फिलक ना बहन देख ले कोरिया के भाग हे मेरी गंगे मलैया हे मेरे ब्रह्म देव हाराज। और इसी के बीच आ गए प्रमोद स्टूडियो शिकारपुर की तरफ से बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं। अच्छा और हमारे कुछ क्या ने अपनी अम्मा एक होने वाली वीडियो बनाई है प्रमोदी ने। हाँ मर मीठो अपने हाथ से खबाओ जाने ऐसी बात ना करते वीडियो पर जा रही सब जे प्रमोदी स्टूडियो वाले यादव जी ग्राम शिकारपुर की तरफ से जी हमारे खुशी राम रुकुंदी नगर की तरफ से ढुलके आए। अच्छा उनके लिए दूध पीने के लिए देते हैं भाई। एरी, एरी लल्ली तू देख रही जाके माए
देख ले जो कोरिया बहू कहती खबचूतर है खबचूतर ना खबचूतर है आ देख एरी तेने अकल को टिकट ले लो है कैसो बहन जा देख ले सूरत पे जा मूरत पे जा जवानी पे तू घर घर की ठोकरी खा रही है लगी भूखी घूम रही है तेरी जो जवानी देख नौगमा में कीरतपुरा में दोनों गामन में अच्छा दूध ते सोचाई रबड़ी ते कुल्ला करेगी और क्या तो ऐसी अकल बता दी अरे बहन जब मेरे भाग में सुख नहीं है तो तुम क्या बता पल लग रहा सकती हो? पल लग रहा दूर रह अरे क्या बता दूर रह दूर रह दूर रह लल्ली जो ऊपर चढ़ी डकारे कैसी मक्खी की तरह तो ऐसी अकल बता दूंगी बैठी बैठी डबल बेड पर राज करेगी अच्छा और सवेरे को हेन खाए करेगी लल्लू को चाटते तो बड़ा हेन तो पड़ी भाइयों ने कर लल्ली हाँ मैं पड़ी फैन बोल फैन तेरी में पड़ी भाई होना पड़ी भाइयों हाँ पौने चार किलो तुल के पड़ी भाई हो पौने चार किलो हाँ मध्य जमाने में कैसी लल्ली देख जब मैं पढ़ के निच्चू भाई लल्ली सोगटा बूढ़ो कस ले आओ ना चाट मारो आएगा लल्ली वो बोलो सिर के बालों से चाट लियो रद्दी से चाट लियो हिला टिकते चाट लियो लल्ली हाँ मैंने लिकार के किताबे तुलवाई तो होने चार किलो बैठी मेरी अम्मा किताबे तो बैठी तेरी कापी एरी मैंने पढ़ी उन्हें किताब भाई डो कैसी एरी रुक जा तू भाई यरमानी है ना और तू का दिख मत जा तेरू यार ये पैरा कौन सा हाँ ये ले मेरे पैरा यरमानी भैया सुन ले तो अकेले बता रही हूँ वही हाँ मेरी मान जाएगी तो चले बहन तुम मेरी समझ में होगी तो देखाऊंगी बता वो तेरी सालली माना है मत माना मैं तो बता वो काम है सुन हाँ बता बहन कोड़ी को यारे छोड़ के परदेश नी मेरे देवर कारी देवर हाँ, में शीशा कंगन रखा नाम का है तुम्हारे देवर को मेरे देवर को लल्ली नाम है भूरे भूरे हाँ और देख और लल्ली जामे दा शीशा कंगन रखा तू है अच्छा तेरी मेरी मांग लिखा तू है और लल्ली दा जाते में दामन को झटुआ रखा तू है अरे बहन बटुआ बोल लल्ली तेरी बाहर मौज आ जाएगी बहन तुम्हारे देवर इतना छल चकनिया पैसा बार जिम्मेदार है तो अपने देवर तब खुना गुआर मिल लो लल्ली मेरो जादू सो बैठाए पर चलो ले वो भगत जी है तारो देवर तो मैं कोपन हो रे मेरे पने रे कोड़ी भरतारे प्यारे ते पर मेरी बीबी मैं हाँ पते
और कर यारी हमें छनरिया समझ रही है छनरिया कह रही है तू हमें छनरिया समझ रही है मेरा कही है एक सुन ले चामने सौ सौ कर ले चामने डेढ़ सौ जल ले कोई कित पर में कह तो दे ए कह दे रजवीराज दादी तेरे मुंह में कह दाता है मेरो नाती हेलमैन हो है लेन बेन पूरे गांव को दिया गोल कर देगो है बहन तन्नी तरह स्थारी घुस जाऊंगी बहन तुम्हारो ऐसो रिवाज है ऐसे तो ने बहार बना लो कितपुर में हां लल्ली नौगावा में और आगे चल रही हूं मैं पते बरता रानी तुम्हें ती तुम कुंडी सलचना को पतव्रत को बदनाम करते हो तूने मेरे कहा देखो तुमने मेरे कहा देख ले मैं तुमसे कुछ कह रही हूं कबू गोबर पाथन गई तो ज्यादा मेरे संग कबू ना गए गिने चुने 34 आदमी गए गोबर पाथन कुंडी समझ रही है वो छनिया समझ रही है मेरे पूरा सूख सूख के हाथ ही है ऐसी छोटी बात सुना बताते बहन देख तू कह रही है मैं पतिव्रता हूँ हाँ बताइए पतिव्रता लक्षण कैसे होता है पतिव्रता लक्षण कैसे होता है कैसे होता बताइए कौन सी पतिव्रता है तू कैसी है अरे रंग मेरा कसुम की चादर ऐसोई रंग पराई खीमा काट दूंगी समझ रही है जाके घुस जाऊंगी जा समझ आ ले ए तेरे मैं कैसे घर की हूं मारूंगी एड़ी कर दूंगी तेरी तू सोच ले ये मेरे देवर को गलत संदे बोला ही ना मैं तुम्हारे देवर को ना कह रही हूं गलत तू पतिव्रता है तू हां ए पति पतिव्रता के नियम का होता है अरे पतिव्रता पति पानी को पीबे पत पानी को पीबे बिना पति के कैद न जीबे पत व्रत न कीजे ये बानी बिन पत दे का अन्न खाए न पिए न बीबी बहना मैं पते व्रता नारे भोरा हो तब पालन को देखते हो मेरी थेना तो सरे को देखते हो तो सही कह रही है जाको आदमी ना खा तो भूखी मत रही रोज मेरे आदमी दस दिन ना आवे तो दस दिन रोटी का चलते बस्तर नहीं बैठती हूँ मैं देख ले दूसरे और अल्ली और देख दूसरे और तू ऐसी है तेरो आदमी जा भूखो डोंत रे
जाओ कछु कतरे जब पाइन पे तू रूखे केला पी जाती है और के मैं तो खा लेती और लल्ली लंडू रूख पूरे खाती है। अरे बहन, अरे बहन आते अपने आदमी को छोड़ के खाइए मत। मैं तो खा लूंगी तो तेरो तबादला करवाऊंगी, इस्तीफा दिलवाऊंगी कल अदालत में और लल्ली दूसरी बारी करवाऊंगी जाके आदमी को जो पतिव्रता है जो लौड़िया धोखा नहीं देगी। हाँ लल्ली जो है खपत अब सूरत एक काम कर हाँ। तू अपनो आदमी छोड़ के खाना ना खाएगी ना तो मर जा मच्छा। लल्ली जा तो मीठी खाऊ मेरो आदमी हाँ। देख चार बजे ही हल्ले जाएगो तुम्हारे आदमी कैसे है चार बजे हल्ले जाएगो और लल्ली हल्ले जाके जोते हो खेत में खेत में जुताई करेगो तुम्हारे टोकर उते हाँ मेरो बूढ़ो अच्छा। टोकर मत कह दिए बता दे रही हूँ देख उते सूत चढ़िया है बांस पर मेरे चूतन पर घाम लागी लली तब उठती हूँ मैं अच्छा। उठी झाड़ू हाथ में लाओ लगो लगो और ना अच्छा। लली जल्दी जल्दी बासन इकट्ठे कर लेती हूँ मजे मजे और ना मजे बासन बासन इकट्ठे करके ऑटो लाओ लल्ली छनो छनो और लल्ली चार रोटी डालते हो हाँ। खा लेते हो तो झींगे पटांग देते अच्छा। लल्ली काम पूरो टाइम पूरो दिन को बजे को एक पूरो हर लेके आएगो घर को बर्तन को पानी पियाओ अच्छा। हर देख दो दीवार दे बर्तन को सानी मार दे हाथ पा धो के मेरे ढोरे आवे हो फिर क्या खे पतो है तुम क्या करती हो मैं लल्ली जैसे रोटी बना के खा के मैं डबल बेड पर लेट जाती हूँ अच्छा। लेट के हुक्किया में आग धर के लल्ली जब मैं दम मारते तब तक आ जाता है हिजुली बिजुली। लल्ली रिमोट हाथ में लो मैं गदर फिल्म शुरू कर देता हूँ अच्छा। लल्ली बूढ़े ने सेनाते एनसीडी ले दी है टिड्डो करने हम वो को बड़ो शौकिया है लल्ली तो देख मत पूजा देवी जी खानो बनाओ है के तो तुम का कहती है लल्ली मेरा को हाथ उठावे मैं तो टांगत कहती तो खाला वो धरो है ठीक है अपन डोकस से ना और का तोर से तुम्हारो आदमी राखो भलो पर मेरो आदमी तो लंबी करे हो लल्ली मेरो आदमी यदि मोहम्मद कत्तो बोले ए मोहब्बत मत जा अरे मोहब्बत का मोहम्मद लल्ली मैं सोगठा में पांच चप्पल रोज मारू मेरो कब बुराई ना करतो मेरी पते है तो नीच कमा मैं पक्की पक्की पति भत्ता हूं समझ नहीं है लल्ली अब तू बता का चाह रही है बहन खाने के लिए कुछ है खाना कचरा है लल्ली खाना कचरा दे ले आई सो जो हपोक गई अच्छा। जो बड़ी खबैया एक डिब्बा भर के सामान आ लल्ली सब रूखो ही खाई गई तो बहन सुनो ए? जब खाने के लिए कुछ नहीं हो तो एक बात सुनो मोए उतारे अरे बता दे मेरी बहना जा सिंह आए अरे नदी को लल्ली उतारू बहना कैसे भेजाऊंगी जार सिंह नदी पल्ले पार खाने पीने कुछ नहीं हो तो तार बता दो कैसे उतरूंगी पल्ली पार जाना चाहते हाँ, पल्ली पार जाऊंगी हाँ लल्ली तू कित प्रवाही रास्ता पर जाना चाह रही है हाँ नदी उतर के हाँ लल्ली में समझ गई है बात जो मैं बता रही तां जा रही है तो उतार बता दूंगी सही बताऊंगी सही बताइए बहन मैं बिपता की मारी हुई हूँ मैं लल्ली का बंदरता ना बता मेरे संग मत धोखा मत करियो लल्ली मैं क्या करूंगी धोखो हाँ पांच हजार कदम परदेश ने तू पूरे बकरी हटी रही पहना नदिया से जाइए रे पार ले होए अरे बहन कैसे बताई पांच लल्ली लगे लंबी रे लंबी रे पांच कदम पूरब को हट जाइए अच्छा भान नदी को उतारो है और एक काम और करिए धीरे धीरे घुसिए आके तो डिग में गह गई तो डूब जाएगी
अच्छा मैं सीधी तरफ पांच कदम पूरे के लिए उतार है। धीरे अरे धीरे जाइए परदेश ने तू तो अरे माल खवाया कर अपने बूढ़े को, माल को पैसा दे तो पौआ खाया। मैं अपने आदमी को बहुत माल खवाती हूँ। मेरा तो माल जानतू ही ना। अच्छा रूखो पौआ खातू है तो मैं बच रही हूँ। सही है बहन जाती हूँ मैं। और इसी के बीच आकर बेदराम बेदराम मगर जी 50 रुपए 50 रुपए बरदे महाराज के चरणों में अपन करते हैं। भैया पिया की बोली दैया पापिया बोले गजना उठी रे भरेरा मेरे सैया को तैया तुम बोला पाए दे पपिया ठोर में चूंगी मरवा लेके ते गरे सैया आए पपिया उड़े रे ते सको जाए सूखी लकड़ी रे ते पंजन में पानी पिए रे समुद्र की पार तुम तो पिया का पोते में हरे लाए तेरी रे धारी भरे पार जब भार तुम्हें ची तुम्हें ती करते कौन से काम अरे ठोकर से ठुकराए दई सकिया ने सुनना पइयो बाके फाके भोग की बाते बादना रानी तुम्हें ती की थी भैया कहाँ जा रहे हो कहाँ जा रहे दावत खावे जे बात बढ़िया ना चा छा दी तो हमें मन लगे गो इतने ही बने रहे हो जा कहाँ करो भगत जी ऐसे क्यों करवा रहे हो। दुखिया बड़े आगे को चाय अरे जाका कोरी सैया बैठे और बालम के पहुंच गई पास कैसे बतलाए रही बालम से सुन पइयो पाए आए रही अगलिया दे बादना धीमा सिकल पति महाराज नमस्ते नमस्ते। अरे रानी आप ये बताइए तुम्हारे लिए खाने पीने के लिए कुछ सखियों ने दिया के नहीं दिया। खान हो तो मेरे सिर पर हो तो सुनो बताती हूँ। ना ए सोच मोए कचियों का परिवे को ना ए सोच मोए कच भी कमागे को अरे एक सोच मोए खाए चातु है सखिया बदन पे चलाए गई सैया ला तरे बेकारी दे गई